हेलो टू आवर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर टू प्रैक्टिस शीट फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि हमें डब्ल्यू टू कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास यानी कि एम टू हमें गिवन है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हम हमारे कंपाउंड को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है और उसका वेट दिया हुआ है 75 ग्राम। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। तो ये हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0.48 केल्विन और हमें केएफ की वैल्यू भी दी हुई है। बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन इंटू 1000। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला है। के एफ की वैल्यू होती है 5.12, डब्ल्यू टू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है निकालनी है, सॉरी ये हमें पता नहीं है। एम टू की वैल्यू है 256, डब्ल्यू वन की वैल्यू है 75 और ये था हमारे पास हमारा 1000। तो ये हमें हमारी कुछ वैल्यूज दी हुई थी। डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 0.48। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे डब्ल्यू टू आ जाएगा 0.48 इंटू 256 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 1000। ये डेसिमल यहाँ पे हटा रहा हूँ, ये 100 आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा। ये 1 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 0.24 पे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, 0.24 को 75 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देना है। कैलकुलेशन आप करोगे, कैलकुलेशन काफी इजी है, इसको और आप 5 के टेबल पे काट सकते हो। तो जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे 15 को 0.12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.80 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 1.80 ग्राम। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।